हलचल टीवी न्यूज। अमृतसर के जीटी रोड से स्थित रामतलाई इलाके में उस समय सनसनी फैल गई जदों हाई वोल्टेज टावर से एक नौजवान चढ़ गया। इस संबंधी सूचना मिलते ही मौके पर पुजे ADCP हरपाल सिंह, ACP सुशील कुमार, अग बचाओ दस्ता ते एम्बुलेंस मौके पर पुजी है। इसे दौरान प्रशासन को टावर से चढ़ने लिए कोई प्रबंध नहीं सी, जिस कारण कमांडो फोर्स के जवान टावर से चढ़ाया गया। इतने दस दिए कि एक महीना पहला भी इस हाई वोल्टेज टावर से एक नौजवान चढ़ गया, जिसनों 3 घंटे बाद बहुत मुश्किल न उतारा गया। मेरा नाम राकेश कुमार। राकेश जी, कितनी की मेहनत करनी पई हेठा उतारने वास्ते? सवेर दा ही चढ़िया तेरे सामने, ते मैं तो फिर कमांडो आ, मैं तो सोचे मैं तो ज्यादा ही तगड़ा, ते जे 6 घंटे होर रुकूंगा तो मैं 6 घंटे होर रुकूंगा, उत्ते लाऊंगा नूं थले। पर मैनूं डर सी कि जे मैं एक स्टेप होर चढ़िया ते छाल मार दे, हैना, ते फिर हुण मैं समझा, मैं कहा जे तू काम लिए चढ़िया वो थले बुरा आना, उस बस वही कि मैं बैंक जाना, मैं पैसे मिले, जो मोदी सरकार ने पैसे पाए मैं नहीं मिल रहे। मैं कई बार गया, मैं मोदी सरकार ने पैसे वो नहीं मिल रहे, यही है। तो किन्ने घंटे उत्ते रहा जी? मेरे हिसाब ना 5-4 घंटे तो उत्ते होने, 5 घंटे रहा। ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀ, ਅਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੁਚਕਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾ, ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਆ ਹੋਣ ਦੇ? ਹਾਂ, ਆ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਂਡੋ ਦਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਕੇਸ਼ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਚਕਾਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਕੀਮ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਥੱਲੇ। ਲੈਟ ਅਸ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜੀ। ਥੱਲੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂਟਲੀ ਅਨਸਟੇਬਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸਟੇਬਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਲੀਗਲ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਆ ਸੁਸਾਈਡ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨ ਦੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਕਰਨ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜੀ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਲਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।